नमस्कार, नबुदा प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। झांसी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित नमकीन बिस्कुट के गोदाम के बेसमेंट में अचानक आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बचाव राहत की टीम मौके पर पहुँच गई। बताते चलें कि झांसी जिले में शहर कोतवाली अंतर्गत डडियापुरा बैंकर्स कॉलोनी में नमकीन बिस्कुट का एक निजी गोदाम है, जिसमें लाखों का माल रखा हुआ था। आज गोदाम के बेसमेंट से स्थानीय क्षेत्रवासियों ने धुआं उठते हुए देखा। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू करते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग बेसमेंट में लगे होने के कारण काबू पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। गोदाम संचालक आशीष ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। जानकारी मिली कि आपके गोदाम में आग लग गई, नीचे देखा तो शॉर्ट सर्किट से मतलब आग लगी हुई थी। कितने का माल नुकसान हो गया सर? अब ये तो लिखा पड़ी कागजों की थी और कागज भी सब शायद पता नहीं जल गए, क्या हुआ अब तो देखना पड़ेगा। जो भी यहाँ सब कौन कौन सा काम करते हैं गोदाम में? नमकीन बिस्कुट वगैरह, टोस्ट वगैरह, चिप्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन भी करना लगता है। अभी आग बुझा पाई कि नहीं बुझा पाई फायर ब्रिगेड? अभी पूरी आग बुझी हुई है, अभी काम जा रही है। कब लगी थी आग? सुबह 6:30-7 बजे के समथिंग लगी हुई। कितनी गाड़ियाँ आई? लग रही गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रही हैं, 12-13 गाड़ी लग चुकी हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।